Your... Yes. और ये है पॉपकॉर्न। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, तो नज़ारों को मजा लीजिए और इस वीडियो में पूरा दार्जिलिंग का हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने का, सो स्टे ट्यून। इतना शार्प टर्न, साला पूरा पानी पड़ रहा है। क्रॉसिंग ये रहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा। यहाँ फोटो तो सब निकालेंगे, गाड़ी को साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प टर्न है, तो इसका बहुत डिफिकल्ट साइड। और यहाँ हम लोग का ना हर एक पॉइंट पे हमको दिख रहा है झरना, हर एक पॉइंट पे दिख रहा है कुछ ना कुछ। और यहाँ पर खूबसूरत फोटो सब दिखेगा इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो करो, या लिंक यहाँ नीचे आ रहा होगा। और ये सतन भी हम पूरी मस्ती लेते हुए यहाँ पर, भाई पूरा पैक्ड है भाई, पूरा क्या बताए। ईशान कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। यहाँ वेलकम टू धोनी वाटरफॉल। तो अभी तो पता नहीं कितना आगे जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग जो होम, जहाँ हम लोग स्टे बुक किए हैं होटल वगैरह, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हैं। ये है कॉस्योंग टी गार्डन, पूरा एरिया भरा पूरा भाई, मतलब मेरे लिए तो पहली बार हमारे डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, गाड़ी चलाने में जॉब करने ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती है भाई साहब, एक बार तो दार्जिलिंग आना बनता है, इसको देख कर लगता है हाँ अब हम दोबारा आ सकते हैं। रोड बहुत खराब है, तो भैया हम लोग को बता रहे हैं कि जब चलना है अलाइन अलाइन चलना है। कारण है कि आप देख सकते हैं कि रोड का हाल क्या है। रोड इतना ज़्यादा स्टीफ है कि आपको कुछ नहीं कब बोल सकते, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीफ है, देख रहे हैं। और यहाँ पर मेन पूरा क्लाउडी क्लाउड है, और ये पूरा टी गार्डन से ढका पड़ा हुआ है, पूरा टी गार्डन देख रहे हैं। वहाँ से पूरा गाड़ी उड़ी आ रहा है, और ये अपन का गाड़ी यहाँ पार्क्ड है। यहाँ पर फोटो लेने का, हम लोग भी फोटो लेंगे, सब लेते हम लोग भी लेंगे। कौन सा गाड़ी देखिए, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। पूरा देख भाई कितना ज्यादा कुहासा है, देख रहा गाड़ी भी नहीं दिखता रहा। में इसको कहते हैं प्रॉपर हेवन। ये अपना रेस्टोरेंट। अच्छा बोलते भैया गाड़ी को कहाँ रखना पड़े बताइए, आपका यहाँ पार्किंग है ना? अंदर में सब ठीक है। चलिए फिर लगेज को अनप्लग करते हैं, फिर सारा चीज लगेज अनप्लग करके यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। और भाई साहब मतलब क्या ही बताया, कैमरा तो हम ऑफ करके रखे थे क्योंकि पानी को लेके खराब हो जाता, बट इतना खूबसूरत जगह है ना भाई, पूरा पूरी हेवन है, पूरा पूरी हेवन। इसको अनप्लग करते हैं, फिर सारा कुछ जगह अंदर बात करते हैं। बहुत ही प्यारे लोग हैं, हम लोग पूरा हेल्प करते हुए और हम लोग चल रहे हैं आराम से। हाँ यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी है, वो ज़्यादा है, तो स्लो स्लो आना पड़ेगा, एकदम हालत खराब हो गया है। आराम से यो गिर मत जाइयो, दिक्कत हो जाएगा। हम लोग पूरे जंगल में रहेंगे, यही है ना कॉटेज। ठीक आपको पास में दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको बैग अंदर को नीचे देख के आते हैं, देखिए कौन चल रहा है इसको। नीचे 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 पहला और ये दूसरा। ओ हो लाइट दो ही ऑन है ना? चलिए बहुत ही प्यारा कॉटेज है। और ये इसका बाथरूम, ये इसी तरह रहेगा हमेशा, इसको कुछ कवर करना बाकी रह गया क्या? नहीं, 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 इसका
स्ट्रक्चर बहुत प्यारा। तो यही सेक्सी लोकेशन पे हम लोग स्टे करेंगे। यहाँ दो दिन का स्टे है, तो पहले भाई आज तो पूरा सोएंगे, कहे कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर के आसपास हम लोग पूरा जर्नी पड़ी है। अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पूरा कपड़ा भींगा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा आराम करेंगे जगह पे, एक कॉटेज दूसरा कॉटेज, और बाकी आप देख सकते हैं हालत कितना ज़्यादा ख़राब है। बाल तो फिर हेलमेट में ख़राब हो ही जाता है, और एक यूट्यूबर की सबसे ख़राब चीज़ यही है। सो वी आर ऑल रेडी टू सेट, पानी का पूरा मज़ा लेंगे हम लोग, और इसको कर दिया पूरा वाटर प्रूफ, इसमें से हम निकाल दिए हम माइक, पता नहीं आवाज़ कैसे आएगा, आवाज़ है भगवान भरोसे। ठीक है, फ़ोन भी डाल दिया पूरा प्लास्टिक से, टच भी कर दे करेगा। हम लोग ऊपर में भैया आयु चलिए, और भींगे या जो हो अलग से जुगाड़ किए हैं साउंड के लिए, क्योंकि देख ब्लूटूथ से रिकॉर्ड करेंगे, अगर मैं भी हो गया तो अच्छा बात है। क्या चीज़ का फूल, जो भी प्यार लग रहा है। पहले मेन रोड पे आ गए, अपनी बाइक वहाँ पार्क है, निकालना पड़ेगा। वॉकी टॉकी ऑन कर लो, जिसके पास है मेरा सुन नहीं है, वॉकी टॉकी ऑन कर लो, आने ना हेलो आ रहे तुरंत, वेट कीजिए तुरंत आ रहे। आपको भी विंडशील्ड हुआ है ना, वो डोमिनार कितना बड़ा है ना, कैमरा में कुछ नहीं आने वाला। तो आज का जो प्लानिंग है हम लोग का, वो प्लानिंग है पहले इसे फ्यूल अप करवाएंगे, तो बाइक उठाएंगे, फिर हम लोग कुछ जाएगा सैलून पे, और हम लोग जाना है टाइगर हिल, सनसेट व्यूइंग पॉइंट है, सनसेट होने से रहा, बट देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, बाकी कितना भी लोकेशन कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग का सिक्किम जाने का प्लानिंग है, तो आज होगा जो होगा, बस कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग को निकलना पड़ेगा। ऑल इन हो गया, आया 107 रुपये लीटर यहाँ पेट्रोल है, सब नीचे भागे हैं क्या बताऊँ। आ रहा इसीलिए हम बाल ब्लू करा रहे हैं। तो यहाँ मैक्स टू मैक्स गाड़ी में देखिए ब्लू ही टिंट कराया हुआ है, तो आपको भी बाल ब्लू कराना है। अरे तीन वाला स्विच नहीं है, तीन वाला तो तीन वो खराब हो गया, धीरे-धीरे मतलब स्विच का ही दिक्कत था, और कोई दिक्कत नहीं था ना, क्या चीज का दिक्कत था, दो तो स्विच लगता है इसमें, दो तो लगेगा, क्या स्विच ना, ये अजय जी का छोटा भाई है। हेलो हेलो ईशान, ईशान कहाँ चल गया रे, मार खाएगा, ध्यान देना अगर पुलिस वाला मारे। अभी तक नहीं बोल रही, अरे आने तो यहाँ पर हमारी दोनों बाइक पार्क है, अब चलते हैं ऊपर। ओके और स्टिल सब सो बैठ रहा है, बुद्धा टेम्पल कृपया शांति बना रखें। ईशान सो जल्दी से पढ़ बताओ क्या लिखा हुआ। Thank you.
प्लान बनता है, चलते हैं वहाँ पर। तो जिस तरह का धुंध आपको दिख रहा है वहाँ जाके पता नहीं फायदा है कि नहीं है, वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। चलिए तो हम लोग वहाँ से तो आ गए मंदिर से, बट यहाँ पर इतना जाम हो गया है कि हम लोग निकलना हो गया मुश्किल। अब करे तो करे क्या, और वक्त हो रहा है 5 बजने वाला था, हमको नहीं लगता कि वहाँ जा पाए हम लोग। देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो ये लोग बाइक को पार्क करके यहाँ आ चुके हैं। ये जगह क्या नाम है जी बताइए? दार्जिलिंग। वाह, ये एक्चुअल मेन दार्जिलिंग यही है ना? ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन लिखा हुआ यही है ना? यही दार्जिलिंग लिखा हुआ, आई लव दार्जिलिंग छोटा सा। हम लोग जब रूम जहाँ लोग लिया गया वह एक्चुअल में क्या, वो बादल के अंदर में, मतलब बादल रूम का जो स्पेस है ना उस एरिया का ऊपर बादल ढका पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जस्ट बादल के ऊपर में, थोड़ा गर्मी थोड़ा हल्का हल्का माइनस में सब फील हो रहा है, बट ठीक है, सब देख सकते हैं, सब स्वेटर वेटर अपना वो पहना हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं मॉल रोड कहाँ पर है क्या नहीं है देख लेते हैं। अब भाई साहब टी गार्डन, और देख लो व्यू, अब क्या ही बताएं कितना धासु व्यू है। और यहाँ का मेन मार्केट मॉल रोड, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कुछ आप लोग लेना भैया? चलो जो लीजिएगा, मेरे लिए भी ले लीजिएगा, ठीक है। जो कुछ भैया सोच सकते हैं, गलती सामान के आगे हैं लद्दाख वाला ड्रेस सजेशन करने वाला ज्यादा गरीब लग रहा है, तो कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग बोले थे कि भैया सिक्किम जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं, ये आज ही पहन लेंगे। एक्साइटमेंट हम लोग ठीक है भाई, मस्त स्लिक पहना है स्टाइल से, वो सही चल रहा हूँ। हम लोग यहाँ आ चुके हैं माल रोड, तो यहाँ पर पता नहीं लोग आगे क्या कर रहा है, पता नहीं हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यू है, जो व्यू है और यहाँ का जो वाइब, ऐसा लग रहा है कि सूर्यवंशम पिक्चर में नहीं देखे थे। और ये कॉलेज का बाहर में जो व्यू लगा हुआ है, यही है भाई। दार्जिलिंग आने में मजा आ गया, दार्जिलिंग आने में सबसे बड़ा इनका हाथ था, है ना ईशान? तो फिर पागल हो लेता है, बम्प रिकवर हुआ ईशान, बम्प रिकवर हुआ। अरे जाना है ना, तो आज भर तो रहना पड़ेगा इधर ना। लोग मजा आया, चाय पीना चाहिए आप लोगों? यहाँ के चाय मत पीजिएगा, बहुत घटिया बनाया है चाय, पैसा का बर्बादी है साला, डालने का इतना घटिया चाय बनाया नहीं सा, हम खुद ना लेते हैं। इसका स्वाद भी बहुत, मतलब क्या बताया, अजीब टाइप का। चाय पी के देख लिए कि चाय बहुत घटिया बनता है। तो अब यहाँ मखे मिलता है जब भुट्टा, उसको भी खा के देख लेते हैं वो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट मिलता है। यहाँ ले लो इधर से, कैसे दे रहे? 30 रुपया। कितना? 30 का? 3 दे दीजिए, 3। नींबू नमक लगा के मस्त। ए ईशान पढ़, दिस वन फॉर यू। तो ये है न्यू मार्केट, और यहाँ दम भर कपड़ा लत्ता का दुकान। बड़ा वाला क्लियरिंग कितने का?
खोल रही है सार्फ है, खोल रही है सार्फ है। ये चिपक जाएगा कि मैग्नेट होल, मैग्नेट है ना। कितना बोले इसका? 30। तो हम लोग इस शॉप का चार चांद लगा दिए हैं, भैया 500 के खर्चा किए हैं, हम भी कुछ खर्चा किए हैं, और ये लेने वाला था लेकिन नहीं लिया, गुड, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, नहीं तो सब यही अमीर बन जाएगा, कहीं और ही जाएगा। और सिक्किम गैंगटॉक सब बाकी। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड, मोमोज का भरमार और चिकन का भरमार, और कि पता ले लिया, हाथ में पकड़ा दिया हमको, टेंशन है ये, जो कल अलग ले लेंगे। और भीड़ थोड़ा बढ़ते जा रहा है, फोटोशूट पॉइंट है, कैसा भैया फोटो ले रहा है। प्योर वेज पहली बार खा रहे सतीश भैया, 30 साल में पहली बार। चटनी थोड़ा तीखा वाला है ना, उसको थोड़ा बढ़ा के दीजिएगा, इनको पसंद ज्यादा है। यो यस चला जाए। कैसा लगा भैया खाने में? कैसा? पैसे नहीं बचा रहा, इतना गरम, इतना गरम है, पूरा ना भाफे मार रहा पूरा तो। कस के मत बोलिएगा। खाओ खाओ खाओ, जो इतना खाना पीना था खा लिए, सामान शॉपिंग कर लिए, इधर दो हेलमेट उधर दो हेलमेट, और सब देख चल गया, उन लोग बाइक पर चल गया है, और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर सामान वान हो गया है तो इन लोग आगे भेज दिए हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इनका जो पीछे ट्रक है वो खराब हो चुका है, तो उस ट्रक के चक्कर में थोड़ा जाम पड़ा हुआ है, तो एक लाया बैकअप ट्रक इसको टाइम के ले जाएगा। और बगल में ही यहाँ पर स्टेशन है, अभी भूल में कुछ दिख नहीं रहा कौन सा स्टेशन है, यहाँ उनको टो करने का काम हो रहा है, रस्सी कुछ बांधा केबल है सारे, ओहो टूट गया। अरे नहीं नहीं जाने का, वो टाइम रहा है गाड़ी, वो टूट जा रहा है। हाँ तो बाइक यहाँ फाइनली पार्क कर चुके हैं, और भैया कहाँ है पीछे रह गया क्या? सो फाइनली ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम लोग खाना आ चुका है, और भाई ठंडा मतलब कितना दिखा रहे भैया? 40। तो हाँ ये गर्म पानी दिया भाई, अच्छा दिया गर्म पानी। क्या क्या आया है थोड़ा दिखाइए, खोलो इशारे से खोलो, रोटी है और बाकी चिकन स्नैक्स, ये चिकन और ये है आपका भेज, भेज के नाम से सिर्फ आलू देता है लोग, अच्छा नहीं देता है, पनीर दिखा दिखा पनीर दिखा ना दिख गया भाई, थोड़ा डालता है। तो कल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल हम लोग निकलेंगे गैंगटॉक की ओर अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। तो होप सो ये वीडियो आप सबको देखने में अच्छा लग रहा होगा, तो मेक श्योर हम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।